सब्सक्राइब करने के लिए एंड में ग्रीन शोकेस टीवी लोगो पे क्लिक कीजिए। तमाम दवाइयां बच्चों की पहुंच से दूर रखिए और शो देखने के बाद तबीयत ज्यादा खराब हो तो जहर खा लीजिए। जी हाँ, आज जो मेरे साथ ये हसीन लड़की बैठी है, इनकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज है, ये डिसऑर्डर नहीं है। ये एक्टर है, सिंगर है, ब्यूटी पार्लर ओनर है और स्क्वैश प्लेयर है। रिसर्च चेक किया आपने? ना सिर्फ ये सब बल्कि सोने पे सुहागा की आदि ब्रिटिश भी हैं पासपोर्ट से। आप इन्हें फिल्म लगान में भी देख सकते हैं और रिश्तों के लिए बुकिंग जारी है। अगर आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर ऐसी लड़की को चाहते हैं, रिश्ता अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्लीज दफा हो जाए क्योंकि मेरी इनकी अम्मी से बात चल रही है। ये मुझे नहीं पता था वैसे। अच्छा, आइए मिलते हैं विद अ वेरी टैलेंटेड एंड जॉर्जियस निमरा खान। निमरा, वेलकम। मैंने आज आपका इंस्टाग्राम देखा। आज ही? हाँ, माशाल्लाह 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, तो मुझे 500 खरीदने हैं, वो कहाँ से मैं बढ़वाऊँ? लाइक सब ऑर्गेनिक है, कोई नहीं खरीदी मैंने। अच्छा, लेकिन अगर मुझे ऑर्गेनिक नहीं चाहिए हूँ। अच्छा, मुझे अगर वो चाहिए केमिकल वाले। हाँ, उनको बोने जरा इस तरफ आ जाएगा। निमरा, हमने सुना है कि आप सारी जिंदगी टॉम बॉय थी। अभी भी लग रहा है मुझे वैसे तो, जैसे बैठी भी हूँ मैं। ये बताएं कि आप टॉम बॉय से टॉम गर्ल कब बनी? अम्मा ने प्रैक्टिस करवाई है। प्रैक्टिस कराई है? हील्स पहना पहना के। एक सीन था मेरा ड्रामे में, तो रिश्ता आया हुआ है सामने, मैं यूं करके बैठी हूँ सिस्टर में। प्रोड्यूसर ने बुला के अम्मी को दिखाया कि प्लीज़ अपनी बेटी में कुछ नोट करें। अम्मी ने 15 मिनट तक कुछ नोट ही नहीं करती, मैंने उसको ऐसे बड़ा होते देखा, मैं कैसे नोट करूँ? और क्या हरकतें आप करती है लड़कों वाली? कोई मेरी बहनों को छेड़े, फूट फूट देती हूँ मैं। उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है कि फूट फूट दूंगी। अच्छा अच्छा, मेरी बहनों को कोई आप उठाकर देखिए बस। हां भाई, इनकी बहनों से दूर रहे बिल्कुल। नहीं, अब तो उनकी शादी हो गई। अच्छा, दूर ना रहे फिर। निमरा, आपका कोई बॉयफ्रेंड मंगेतर या कोई आपके साथ मैंने कभी अटैच बात नहीं देखा, ये क्या माजरा है बताएं हमें? क्या आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है? ओह माय गॉड, आपके साथ क्यों नहीं होता कोई? या छुपा के रखा हुआ आपने मेरे तहखाने में बंद करके, उसको कभी कभी निकालती हैं ईद और बकरा ईद में? नहीं नहीं, निकालूंगी, एक ही दफा निकालूंगी ना, मतलब अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता है वो। अच्छा अच्छा, अभी शक्ल नहीं देखी, ऐसी बांध के उसको रख देनी चाहिए? नहीं नहीं, अम्मा देख रही हैं। अम्मा देख रही हैं, खुद ने गलतियां की ना, इसलिए अम्मा पे छोड़ दिया, अम्मा करें। अच्छा, वो गलतियों की हमें अभी तक न्यूज़ नहीं मिली। आप बहुत तेज हैं, आपके सोशल मीडिया पे भी कभी कुछ नहीं आया ऐसा, है ना? ये चीज वेरी तेज। ये बताएं कि आप जब मुझे पहली दफा मिली थी तो आपको याद होगा आपने मुझे एक गाना भी सुनाया था, तो आप ये आप सिंगर बनते बनते एक्टर बन गई? नहीं, एक्टर बनने के बाद पता चला कि अच्छा मैं सिंगर भी हूँ। किसी ने बताया आपको ये बात? नहीं, बाद में एक्सप्लोर करना शुरू किया अपने आप को मैंने। अच्छा अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं एक्टर भी हूँ कि नहीं। पहले सिंगिंग की थी? नहीं, नहीं, पहले पहले एक्टिंग की, उसके बाद। अच्छा, एक्टिंग में कैसे हैं जल्दी बताओ। फिल्म एंड टेलीविजन किया था इंडस वाली से, तो फिर उसके बाद अब्बा ने कहा कि डायरेक्शन से पहले एक्टिंग की तरफ आओ, तो जब एक्टिंग की तरफ आई तो इसी में मजा आने लगा, तो यही मेरा फिर लेकिन काम बन गया। लेकिन पहला क्या था प्रोजेक्ट? इट वाज चुभन एंड या चुभन विद कौन टीवी। कौन चुभता था उसमें आपको, मतलब हीरो कौन था उसमें? चुभन, मुझे चुभन थी बहुत सारी, हर कोई हर कोई कुछ ना कुछ चुभाता रहता था। चुभाता रहा सुनिया? हाँ, ऐसे ही कुछ। समी खान तो नहीं था उसके अंदर? नहीं नहीं। अच्छा, क्योंकि वो चुप रहता है खामोश, लेकिन मैंने सुना है कि वो करता है, वो पोक करता है, पोक। हाँ, तो ये बताएं जब आपने करियर शुरू किया तो कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस तो नहीं हो गई? कास्टिंग काउच के बारे में कभी सुना है आपने? हाँ, होता है, दिनों पहले ही मैंने इंटरव्यू में सुना था। पता है? नहीं नहीं नहीं, सुना था, सवाल मुझसे यही हुआ था। अच्छा अच्छा, एग्जिस्ट करता है ये सवाल, ये काउच? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे इर्द गिर्द ये चीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन होता है वैसे कि नहीं होता आपके ख्याल में? नॉट रियली, ये मिथ है निमरा खान बता रही हैं हमें। कास्टिंग काउच जैसी चीज कोई पाकिस्तान में ना कभी थी ना कभी होगी, इवन हुमायूं सईद के पास भी नहीं है कास्टिंग काउच, सब मेरिट पे होता है। निमरा, आपने एक फिल्म की थी जिसका नाम था ब्लाइंड लव, तो इसका स्क्रिप्ट भी आपने आंखें बंद करके पढ़ा था? नहीं, स्क्रिप्ट पढ़ के तो मुझे मजा आया था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा आँख ही बंद कर लो तो बेहतर है, जब सब कुछ बन गया। चलते हम अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ। निमरा बहुत अच्छा खेल रही है, ये वैसे बहुत शाये है लेकिन इस शो पे आके हिम्मत की तो वी अप्रिशिएटेड। हाँ हाँ, वैसे ये भी बात है। ट्रू या फॉल्स में जवाब आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। कोई लड़की ने ये भी किया? अच्छा जी, ट्रू और फॉल्स, मैं इंडस्ट्री के सब मर्द हजरात को भाई कह के बुलाती हूँ ताकि हैंकी पैंकी के कोई चांस ही ना रहे। False.
क्या कह के बुलाती हूँ? सर सर, मेरा कंपटीशन यहाँ के हीरोइनों से है ही नहीं सिवाय मतीरा के। मेरा कंपटीशन है जेनिफर लॉरेंस पूर और स्कारलेट जॉहन्सबर्गर से, हॉलीवुड की उस जगह। फॉल्स फॉल्स, लेकिन मतीरा से तो फॉल्स मतीरा भी नहीं है, वो आपके साथ फिल्म में थी इसलिए मैंने मेंशन किया। आगे बढ़े। जब कोई देख रहा नहीं होता तो मैं शीशे के सामने दौड़ के डांस करती हूँ। मैं शीशे के सामने भी आके नीचे आके डांस करती हूँ। नीचे आके करके? उसके सामने भी शर्म आती है। मेरे बाप दादा की तौबा, अगर मैंने सैलून पे किसी को आइंदा क्लासेस दी। मुझे तो कोई क्लास दे दे पहले। पता नहीं कहाँ से ये सवाल है, आप समझ गई कैसे? निम्रा, ये बताएंगे, आपने इंडस वैली से पढ़ाई की और आपने एक्टिंग में एक डिग्री भी ली, तो कितने पैसे जाए किए? वो इसलिए क्योंकि आपको एक्टिंग की डिग्री की जरूरत थोड़ी है, आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। नहीं, लेकिन एक्टिंग का तो मुझे ये भी नहीं आता जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी, ये तो मुझे आप लोगों ने सबने मौका दिया तो मैंने लाइक करते करते सीखा। ये बताएं कि लड़कों का दिमाग कहाँ होता है? लड़कों का दिमाग कहाँ होता है? बड़े होने तक तो यही सुना है कि यहाँ घुटनों में होता है, ऑफ कोर्स, और कहाँ होगा। फॉलो अप, ये बताएं कि आजकल के लड़कों में क्या कमी है या ज्यादती है? सवाल से ही नहीं निकली मैं। अच्छा हाँ, अगला सवाल। आजकल के लड़कों में क्या कमी है या ज्यादती है? वो बड़े नहीं। गुड आंसर। हाँ, लिटरली अपने आप को अभी तक वो बच्चे ही समझा रहे हैं, दिमागी तौर पे ग्रो ही नहीं कर रहे वो। ये बताएं कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा सेक्सफुल अदाकार कौन लगता है? समी खान, एहसन खान, फिरोज खान या फिर अदनान शाह टीबू? सेक्सफुल समझती हैं ना, जो कामयाब होता है बहुत ज्यादा। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग। आई थिंक फिरोज खान। फिरोज खान इज द मोस्ट सेक्सफुल एक्टर। और लड़कियों में आप खुद बता दें। सनम सईद। टॉमबॉय वाला दिमाग लगा के फिर। सनम सईद। सनम सईद, या ओके, वेरी गुड आंसर। सनम सईद इनको हॉट लगती है। ये बताएं कि सोशल मीडिया पे आपकी सबसे ज्यादा किस बात पे बजाई जाती है? या वैसे ना जहाँ मैंने अब तक ये चीज नहीं नोट की कि नहीं बजाते। हाँ, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि कपड़ों पे। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, यही तो सबसे बड़ी चीज है कि अभी यहाँ तक क्या एक इसके ऊपर और जैकेट पहनने लग गया था, बारिश बारिश दोनों सर पे ले जाकर। नहीं सीरियसली, मैं वैसे भी आई डोंट शो माय स्किन, लेकिन ये कि जितना मैंने अब तक सोशल साइट को ऑब्जर्व किया है कि लोग किससे ऑफेंड होते हैं या फैंस किससे ऑफेंड होते हैं, लेकिन आप ये किस चीज को लाइक ना पसंद करते हैं, इट्स लाइक योर क्लोथ्स। या तो इसलिए मैं इस पे बड़ा फोकस्ड रहती हूँ कि ये चीज मैं कभी ना करूँ। इत्तेफाक से कुछ लोगों ने कॉमेंट्स और सवाल भेजे आपके लिए सोशल मीडिया पे। अच्छा? आप जवाब देंगी? हाँ हाँ। ओके, इमरान अशरफ 2009 कहते हैं, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन मेरे साथ रहेंगे तो मैं टॉप पे ले जाऊंगा, क्या रिप्लाई देंगे इनको? हो सकता है शायद, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं कहते ना अपना टाइम आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका टाइम आया हुआ है, तो शायद उनसे शायद थोड़ा बहुत हमें भी मिल जाए। और ये असली वाले ही लग रहे हैं मुझे, 2009 इसलिए लिखा क्योंकि शायद ही पैदा हुए थे 2009। 10 साल उम्र तो होगी इनकी। मोमी और मोमी 999 कहते हैं, निम्रा ये क्या सारा वक्त इतने ज्यादा कपड़े पहन के आ जाती हो, आगे जाने के लिए थोड़ा सा SAX फिराना पड़ेगा, सैक्स। उन सबको नीचे तरीकों को बताएं पहले। मोमी ओ मोमी 999, आप इनका तरीका बताएं पहले। आगे चलते हैं, वकास वकास 12 कहते हैं, निम्रा जानी मैं भी पठान, तुम भी पठान, चलो मिलके और पठान प्रोड्यूस करते हैं। यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरा एक रिश्ता है वो भी पठान है, मैं उसको आज जाके ये बात कहूं कि आई थिंक वही है, मैं भी पठान पठान भाई, आप क्या था आगे, क्या था अपना, जरा मिलके और पठान प्रोड्यूस करते हैं। हाँ वो भी खाने, मैं भी खानू, तो ट्रू स्टोरी निकली। आगे बढ़ते हैं, निम्रा इंडस्ट्री में मेरे अलावा तीन वर्जन्स के नाम बताएं। कोई है और कि मैं रह गया हूँ? हाँ एक तो आप हो गए, ये तो मैं पूछती हूँ आपकी बिजनेस से, और अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद। ये सवाल आपसे, वेरी नाइस आंसर, थैंक यू। चलते हैं हम अपने एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ। ये है ओरिजिनल क्योंकि यहीं से बनाई है, और मैं जो लफ्ज़ बोलूंगा आपको पहला जो दिमाग में आया ना वो आपने मेरे मुंह पे मार देना है। लफ्ज़ हाथ नहीं है, आपने शुरू में बताया था कि आप पिटाई विटाई कर देती हैं।
नहीं वो बहनों तक है। बहनों तक है ना, ठीक है बिल्कुल। शोबिज़ पार्टीज़, आई डोंट गो। हाँ, मैंने आपको कभी नहीं देखा। मीरा जी, इनोसेंट। अवार्ड फंक्शंस, नो कमेंट्स। ब्लॉगर बरादरी, लवर्स। लवर्स, आई मीन योर वेल विशर्स। गोरेपन के इंजेक्शंस, क्या जरूरत है। नस्वार, हाय हाय। फिरदौस जमाल, लेजेंड। अच्छा अच्छा दे दिया, वरना फिर कुछ भी कह सकते थे वो आपके बारे में। आजकल वो फॉर्म में आए हैं। इंग्लैंड के टर्की, नो। टर्की के चिकन, टर्की के चिकन खाने में, ओह यम्मी। सारा खान के उष्णा शाह, चूज वन। दोनों ही पसंद है। अच्छा, ज्यादा पसंद कौन है? उष्णा से दोस्ती है। फिरोज खान की शेरो सब्जारी, फिरोज खान की शेरो सब्जारी, शेरो सब्जारी। शरी, किसी लड़की ने तुम्हारा फाइनली नाम ले लिया। आतिफ के अली जफर, आतिफ। बिरयानी के निहारी, निहारी। लेग पीस के ब्रेस्ट पीस, चेस्ट लेग पीस। बॉक्सर्स के ब्रीफ, लड़कों पे दोनों में, दोनों नहीं। सिंगिंग की एक्टिंग, एक बोलना है, दोनों कह दें बेशक, दोनों आपको हम इजी जाते हैं आप पे। थैंक यू। आपकी कभी सेट पे किसी से लड़ाई हुई? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, नहीं हुई। नो, ये है हमारा जी के राउंड, यानी कि जनरल नॉलेज राउंड। तैयार हैं आप? अच्छा, इमरान खान की उम्र कितनी है? तुक्का लगाएं। कौन से इमरान? अच्छा, ओ अच्छा, इमरान खान। अंदाजन 57? 67 नहीं, 57, 67, 67 है। ओ, लूडो के बॉक्स में कितने, नहीं लड्डू के बॉक्स में कितने लड्डू होते हैं? लड्डू दुकान वाले को बोले ना एक डब्बा लड्डू दे दें। 12 नेपियर रोड पे क्या होता है? ये कौन सी जगह? वो खाने पीने की जगह है, बहुत जबरदस्त। अच्छा। मैं आपको ले जाऊंगा। होंठ लगवाने के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? तो सारे ही अच्छे। तीन एक्ट्रेस के नाम बताएं जो बाइक चलाते हैं। फैसल कुरैशी, एजाज असलम एंड आई थिंक एक तीन बता रहे थे, बता दिया आपने। निम्रा, ये बताएं कि आप क्योंकि सिंगर हैं तो आपके लिए मैंने एक सेगमेंट रखा जिसका नाम है कंप्लीट द लिरिक्स। मैं आधा जुमला बोलूंगा, आपको कंप्लीट करना होगा। रेडी आप? ओके ओके। नंबर वन है लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। मुझे नहीं पता इनने क्या शेर आगे कंप्लीट किया है। जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा। अगले कंप्लीट करें, जुम्मे के दिन किया है चुम्मे का वादा। है मुझे मुझे गाना नहीं। ओके, ठंडों की आंख में एक नशा है। जादू से मेरे हाथ में गिटार आ गया है और हम निमरा खान से आज गाना सुनेंगे। एक निमरा, कौन सा गाना सुनाएंगे हमें? दिल दिल पाकिस्तान, तो हम अपने नाजी हसन का गाना गाएंगे। कौन सा गाना? दिल की लगी। मुझे आता है शायद। चल, आई विल ट्राई। ओके, मुझे बजाना आता है। रेडी? ओके, बजाना आता है। ओके। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है खुदा से, दुआ है दो दिल जुदा ना करे। ओ, दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे। Hi, this is Nimra Khan. If you like this video, just subscribe it here. Thank you so much.